दोस्तों गूगल में इंटर्नशिप करना दुनिया भर के बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है और ये ड्रीम कैसे रियलिटी बन सकती है आज हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। गूगल किस तरह का इंटर्नशिप ऑफर करता है, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए 4 बेस्ट वेज, अमेजिंग पर्क्स एंड बेनिफिट्स जैसे कई इंटरेस्टिंग टॉपिक पर ये फुल डेडिकेटेड वीडियो है। लिटरली गूगल में इंटर्नशिप पाना हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड जैसे कॉलेजेस में एडमिशन लेने से भी ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि इसका एक्सेप्टेंस रेशियो 2% से 3.5% ही है। इसीलिए मैंने कई फॉर्मर गूगल इंटर्न्स के रियल एक्सपीरियंस के बेसिस पर 3 ऐसे सिंपल स्टेप्स तैयार किए हैं जिनकी हेल्प से आप उन 2.5% सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में आ सकते हो और गूगल में इंटर्नशिप करने का अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो। एक बार जब आप गूगल में इंटर्नशिप कर लेते हो तो आपकी क्रेडिबिलिटी एकदम से इंक्रीज हो जाती है। अगर आपके रेज्यूमे में इंटर्नशिप एट गूगल मेंशन है तो आप किसी भी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को फोड़ सकते हो, कंपनीज आपको तुरंत हायर कर सकती हैं, क्योंकि ये दर्शाता है कि आप एक सुपर टैलेंटेड बंदे हो, आप एक ग्रेट कोडर हो। ये 3 सिंपल स्टेप्स आपको गूगल में इंटर्नशिप दिलाने में तो हेल्प करेंगे ही, इसके अलावा आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी इंटर्नशिप पा सकते हो। इस वीडियो में 2 बोनस फ्री कोर्सेज भी बताऊंगा जिसमें आप कंप्लीट ट्रेडिशनल कंप्यूटर साइंस डिग्री कोर्स बिल्कुल फ्री में पा सकते हो और घर बैठे 100% ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में स्टार्टिंग से बैचलर लेवल कंप्यूटर साइंस सीख सकते हो। इंडिया में गूगल के ऑफिसेज मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद और गुड़गांव में है। ग्लोबली 50 कंट्री में 65 से भी ज्यादा अलग अलग लोकेशंस पे इसके ऑफिसेज हैं। ग्लासडोर के अकॉर्डिंग गूगल अपने इंटर्न्स को एवरेज एवरी मंथ $5,600 पे करता है, यानी हर महीने 4 लाख रुपीस, दैट इज हैंडसम स्टाइफंड। इसके अलावा कई अमेजिंग पर्क्स और एक लंबी बेनिफिट्स की लिस्ट है, तो चलिए वो 3 सिंपल स्टेप्स एक्सप्लोर करते हैं जिससे आप गूगल फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो, गूगल में इंटर्नशिप पा सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें इंटर्नशिप के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होगा। देखो, कंपनीज एक स्मॉल टाइम पीरियड के लिए स्टूडेंट्स को हायर करती हैं। आप लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, वर्क को सीखते हो और काम करते हो। इससे कंपनीज को मेनली 2 फायदा होता है। नंबर 1, उन्हें कम पैसे में अच्छे काम करने वाले लोग मिल जाते हैं। नंबर 2, जब उन्हें फुल टाइम जॉब के लिए इम्प्लॉयज हायरिंग करनी होती है तो वो लोग उन्हें में से हायर कर लेते हैं। उन्हें अलग अलग कॉलेजेस में जाकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती है। उन लोगों को ट्रस्टेड और ट्रेंड लोग मिल जाते हैं जिन्हें ऑलरेडी सिस्टम और प्रोसेस की नॉलेज होती है। इसमें इंटर्न्स को भी बहुत फायदा मिलता है। आप लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करते हो कैसे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री काम करती है, आपका पोर्टफोलियो और रेज्यूमे बिल्ड होता है, हाईली स्किल्ड सीनियर्स के मेंटरशिप में काम करने का मौका मिलता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका कॉन्फिडेंस और नेटवर्क बढ़ता है। देखो, इंटर्नशिप के लिए कोई एज या टाइम फिक्स नहीं होता है। चाहे आप कॉलेज के किसी भी ईयर में हो या 10th में हो, 12th के अंदर हो, तब भी आप इंटर्नशिप पा सकते हो। हर इंटर्नशिप की अपनी अलग अलग मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। अप्लाई करने के लिए आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना होता है। इंटर्नशिप को आप समझ लो अपने आप पर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और अपने आप को ग्रो करने में की गई हर एक इन्वेस्टमेंट दुनिया की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। बस आपको ये देखना है कि मेरे पास जो भी टाइम है और जहां से मैं इंटर्नशिप करने जा रहा हूं, वहां से मेरे टाइम के बदले कोई वैल्यू मिल रही है कि नहीं। अगर वैल्यू मिल रही है तो आपको वो इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए। ऐसे समय पर इंटर्नशिप आपको नहीं करनी चाहिए जब आपका एग्जाम नजदीक हो या कैंपस प्लेसमेंट पास हो। इंटर्नशिप 2 तरह की होती है, समर ब्रेक और विंटर ब्रेक। समर ब्रेक इंटर्नशिप लॉन्ग होती है, 3 to 12 weeks की, जबकि विंटर शॉर्ट होती है। आप कंपनीज में इंटर्नशिप 2 तरह से पा सकते हो, नंबर 1 ऑफ कैंपस, नंबर 2 ऑन कैंपस। ऑन कैंपस इंडिया के टॉप कॉलेजेस में होती है, जो Tier 1, Tier 2 कैटेगरी के कॉलेजेस हैं, जैसे IITs, NITs, BITS, DTU, etc. ऐसे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप प्लेसमेंट से भी ज्यादा यूजफुल हो जाता है, क्योंकि इंटर्नशिप के दौरान ही कंपनीज उन्हें PPO दे देती हैं, यानी प्री प्लेसमेंट ऑफर। दूसरा तरीका है ऑफ कैंपस, जिसमें आपको खुद इंटर्नशिप के लिए इन कंपनीज में अप्लाई करना होता है। अगर आप इन टॉप Tier 1, Tier 2 कॉलेजेस के स्टूडेंट नहीं हो तो आप ऑफ कैंपस यानी खुद से अप्लाई करके किसी भी तरह का किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप पा सकते हो। ऑलराइट, सो अब तक आपको ये अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि एक इंटर्नशिप आपके करियर के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। अब मैं आपको वो 3 सिंपल स्टेप्स बताने जा रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस इंटर्नशिप यानी गूगल में इंटर्नशिप पा सकती हो। ओके, सो गूगल में इंटर्नशिप पाने का स्टेप नंबर 1, फाइंड द राइट रोल। सबसे पहले आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी। आपको अपने स्किल, इंटरेस्ट और लोकेशन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा और किस फील्ड में इंटर्नशिप करना है, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल। गूगल कई तरह के इंटर्नशिप ऑफर करता है जिसे आप career.google.com/students इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हो।
आप देख सकते हो यहाँ पर मेनली दो तरह के इंटर्नशिप हैं। नंबर 1 इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंटर्नशिप, नंबर 2 बिजनेस इंटर्नशिप। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये सब इंटर्नशिप आती है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यूजर एक्सपीरियंस, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर, स्टेम, हार्डवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी गूगल इंटर्नशिप ऑफर करता है, क्योंकि गूगल कई मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, जैसे गूगल एक्स, सेल्फ ड्राइविंग कार, बोस्टन डायनेमिक्स, मकानी, प्रोजेक्ट विंग, टाइटन एरोस्पेस, जैसे कई। गूगल हर साल नई नई कंपनीज खरीदता है। सिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग गूगल अब तक 232 कंपनीज खरीद चुका है। बिजनेस इंटर्नशिप, इसके अंदर बोर्ड, लीगल, MBA, जी करियर इंटर्नशिप। जी करियर के अंदर सेल्स, सर्विस, मार्केटिंग, ये सब इंटर्नशिप होती है। ओके, तो सबसे पहले स्टेप में आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस फील्ड में किस रोल पर इंटर्नशिप करना है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, फोकस ऑन योर CV। जब आप अपना फील्ड और रोल डिसाइड कर लो, फिर आपको ये देखना है कि इस रोल पर इंटर्नशिप के लिए गूगल क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन और प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन मेंशन किया हुआ है, कौन कौन से स्किल्स प्रीरिक्विजिट्स हैं, मतलब जो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, और जॉब डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ना है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी होगी और बेस्ट रिज्यूमे तैयार करना होगा। एग्जाम्पल, मान लो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल पर इंटर्नशिप करना चाहते हो, तो इसके लिए career.google.com/students के इस वेबसाइट पर जाओ और इंटर्नशिप इन इंजीनियरिंग इन टेक्नोलॉजी के अंदर सी ऑल इंटर्नशिप पर क्लिक कर दो। जितने भी टेक्निकल इंटर्नशिप्स हैं वो सब आ जाएगा। आप इस सर्च बॉक्स में डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टाइप करके भी सर्च कर सकते हो। जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले इंटर्नशिप चल रहे हैं अलग अलग लोकेशन पे, वो सब आ जाएंगे। यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन, प्रीरिक्विजिट स्किल्स और जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो। जैसे आप देख सकते हो, इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्नशिप के क्वालिफिकेशन में यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि इस इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम में एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और C++, C#, जावास्क्रिप्ट या पाइथन, इनमें से 3 या 3 से अधिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। दोस्तों, जो भी स्किल्स इसमें मेंशन होती है वो तो आपको आनी ही चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको ये स्किल आती भी नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर दो और होप करो कि आपका हो जाएगा। ऐसे में आप शॉर्टलिस्ट भी नहीं रखोगे। सबसे पहले आपको वो सभी स्किल्स सीखकर अपने रेज्यूमे में ऐड करनी होगी जो गूगल इस रोल पर इंटर्नशिप के लिए आपसे डिमांड कर रहा है, जो प्रीरिक्विजिट हैं। देखो, अगर आप अपने ब्राउजर में careers.google.com/howwehire ये सर्च करोगे तो आप गूगल के इस ऑफिशियल पेज पर आ जाओगे, जहाँ पर हायरिंग से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, इसमें दूसरा क्वेश्चन देखो, डू आई नीड अ कंप्यूटर साइंस डिग्री टू बी अ गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसका आंसर देखो गूगल की तरफ से, नो, अ CS डिग्री इजंट रिक्वायर्ड फॉर मोस्ट ऑफ आवर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट मैनेजर रोल्स। दोस्तों, गूगल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपका स्किल्स। इसीलिए दोस्तों, जिस भी इंटर्नशिप में आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें जो भी प्रीरिक्विजिट स्किल्स मेंशन है उसको तो पहले प्रिपेयर करके स्ट्रॉन्ग कर लो। इसके बाद आपको एक बेस्ट रेज्यूमे बनाना है, क्योंकि आप गूगल में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका रेज्यूमे भी उस लेवल का होना चाहिए। तो इसके लिए केयरफुली जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ो, अपने रेज्यूमे में कीवर्ड, स्किल्स, फ्रेजेस उस इंटर्नशिप के अकॉर्डिंग अलाइन करो। गूगल के लिए रेज्यूमे कैसे तैयार करना है, इसके लिए गूगल ने यूट्यूब पर एक वीडियो ही बना दिया है, गूगल स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख सकते हो। इस चैनल पर हायरिंग, इंटर्नशिप्स रिलेटेड कई यूजफुल वीडियो हैं जो आपको काफी मदद करेंगी। डायरेक्ट हायरिंग मैनेजर्स ने इन वीडियोस को क्रिएट किए हैं। नाउ स्टेप नंबर 3, सेंड योर एप्लीकेशन। गूगल में इंटर्नशिप अप्लाई करने के 4 तरीके हैं। नंबर 1, ऑनलाइन एप्लीकेशन विथ इंटर्नशिप गूगल करियर वेबसाइट। यहाँ अपने स्किल, लोकेशन, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बेस्ट इंटर्नशिप सेलेक्ट कर लो। यहाँ अप्लाई नाउ का एक बटन दिखाई देगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, सभी बेसिक डिटेल्स हैं। पहले रेज्यूम अपलोड करना है, फिर नेम, डिग्री, डिग्री स्टेटस, कंट्री, वर्क एक्सपीरियंस। नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा ट्रांसक्रिप्ट का, अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है तो आप अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज अपलोड करने की जरूरत नहीं है। नीचे कवर लेटर का ऑप्शन दिया गया है, अगर आपके पास कवर लेटर है तो आप अपलोड कर सकते हो, अगर नहीं है तो ये भी ऑप्शनल है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करके अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करके पूरा डिटेल रिव्यू कर लेना है, और चेक बॉक्स पर टिक करके सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद आपको एक कन्फर्मेशन ईमेल आएगा, आपको वेट करना है। आपका एप्लीकेशन गूगल रिक्रूटिंग टीम के द्वारा इवैल्यूएट किया जाएगा। अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो आपको ईमेल आएगा टेस्ट के लिए। आपके इंटर्नशिप के अकॉर्डिंग टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको सेकंड टेस्ट के लिए ईमेल आएगा। दोस्तों, इस ऑनलाइन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए अपने इंटर्नशिप के अकॉर्डिंग
टेस्ट क्वेश्चंस फाइंड कर सकते हो। बहुत सारे लड़के अपने टेलीग्राम चैनल पर या ब्लॉग पर टेस्ट के क्वेश्चंस शेयर कर देते हैं जो उनके इंटरव्यू में पूछे गए थे। आप इजीली सर्च करके फाइंड कर सकते हो। स्टैक ओवरफ्लो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर फोरम है, यहाँ भी आप कोडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों जब आप सेकेंड टेस्ट भी क्लियर कर देते हो तो आपको इंटरव्यूज देने का मौका मिलेगा। इंटरव्यूज का प्रोसेस टेलीफोनिक या गूगल हैंगआउट से होता है। जनरली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले इंटरव्यू होते हैं वो 30 मिनट या 60 मिनट के होते हैं, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेक्निकल इंटरव्यू के दौरान गूगल डॉक्स में आपको 20-25 लाइन का कोड भी लिखना पड़ सकता है। बाकी ऑल रोल्स के लिए जो इंटरव्यूज होती है वो 30 मिनट या 45 मिनट की हो सकती है, जिसमें हाइपोथेटिकल, बिहेवियरल और केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपका ऑन साइट इंटरव्यू होगा, जिसमें आप गूगल के कुछ एम्प्लॉय से मिलोगे। हर एक से 30 से 40 मिनट तक ये लोग आपका जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी, लीडरशिप स्किल्स, रोल्स रिलेटेड नॉलेज का टेस्ट लेंगे। जैसे आप गूगल हायरिंग प्रोसेस का ऑल स्टेज कंप्लीट कर देते हो, फिर गूगल हायरिंग कमेटी आपका एप्लीकेशन रिव्यू करती है। आपका CV, रेफरेंस, इंटरव्यू परफॉर्मेंस, जो भी आपने वर्क सैंपल सबमिट किया होता है, और इसी के बेस पर फाइनल डिसीजन लेती है कि आपको हायर करना है कि नहीं। अगर आप गूगल फैमिली के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाते हो तो आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप अपने आप पर प्राउड कर सकते हो। गूगल अपने इंटर्न्स में से 1% को फुल टाइम जॉब भी ऑफर करता है, यानी हर 2000 इंटर्न्स में से 20 इंटर्न्स को फुल टाइम जॉब भी मिल जाती है। आप इस इंटर्नशिप में हर महीने $5,500 से $6,000 स्टाइफंड उम्मीद कर सकते हो, और कई सारे अमेजिंग पॉक्स मिलते हैं, जैसे बाइक, बसेस, मसाज, स्विमिंग पूल, डांस क्लासेस, नैपॉट्स, पार्टीज, अनलिमिटेड अमेजिंग फूड्स, और सबसे बेस्ट आप गूगलर्स के साथ काम करके प्रैक्टिकली सीखते हो, विच इज प्रीटी स्वीट समर जॉब फॉर एनी कॉलेज स्टूडेंट। ये तो था पहला तरीका गूगल में अप्लाई करने के लिए। नंबर 2, एम्प्लॉय रेफरल। किसी भी गूगल एम्प्लॉय से आप रेफरेंस के थ्रू रिक्वेस्ट कर सकते हो। आप गूगल एम्प्लॉय से लिंक्डइन, क्वेरा, फेसबुक के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ये लोग बस इतना कर सकते हैं कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करा दें, और इतना भी बहुत है, उसके बाद सभी प्रोसेस सेम रहेगी। नंबर 3, मेलिंग द गूगल HR। ये भी काफी अच्छा तरीका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी अपना प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करा लेते हैं टेस्ट के लिए। आप किसी भी गूगलर्स यानी फॉर्मर गूगल एम्प्लॉयज, फॉर्मर इंटर्न से HR का ईमेल मांग सकते हो, और एक प्रोफेशनल ईमेल में अपना वेल क्राफ्टेड रेज्यूमे भेजकर टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। नंबर 4, गूगल समर कोड, इसे GSOC भी बोलते हैं। ये एग्जैक्टली गूगल में इंटर्नशिप जैसा तो नहीं है, ये ग्लोबल प्रोग्राम है जो गूगल स्पॉन्सर्ड करता है। कुछ ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फ्री में वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर बनाती है, जैसे Audacity, Blender, Django, Linux, Python, LibreOffice जैसे कई। अब ये सॉफ्टवेयर्स चलती कैसे हैं? कौन इन्हें फ्री में क्रिएट करता है, कौन इन्हें मैनेज करता है? तो असल में दोस्तों गूगल ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करता है, ताकि लोगों को बेस्ट सॉफ्टवेयर्स फ्री में यूज करने को मिले। अब इन ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स चाहिए, तो गूगल समर कोड के थ्रू बेस्ट कोडर्स, प्रोग्रामर्स को हायर करता है, और उन्हें कुछ तकरीबन $1,000 पर मंथ का स्टाइफन देता है। और ये स्टूडेंट्स उन ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, सीखते हैं और उन्हें और इम्प्रूव करते हैं, और गूगल उन्हें समर कोड का सर्टिफिकेट देता है। ये सर्टिफिकेट बहुत पावरफुल होती है, बिल्कुल गूगल इंटर्नशिप के जैसे। GSOC में जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उनको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो गूगल समर कोड में सिलेक्ट होने के लिए। गूगल 715 ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है, जिसे आप गूगल समर कोड के वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। गूगल समर कोड का एप्लीकेशन प्रोसेस हर साल जनवरी से फरवरी मंथ में होता है। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस गूगल समर कोड के वेबसाइट पर डिटेल में लिखी हुई है। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऑलराइट, तो दोस्तों अब तक हमने देखा इंटर्नशिप क्या होता है, क्या फायदा है इंटर्नशिप के, और गूगल में इंटर्नशिप पाने के लिए 3 स्टेप्स। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था 2 बोनस फ्री कोर्स देने के लिए, तो फर्स्ट बोनस कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक टू एडवांस प्रीमियम कोर्स फॉर फ्री। वैसे तो इस कोर्स की प्राइस 1400 रुपीज है, लेकिन अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस कोर्स पेज पर आते हो, इनरोल करते हो और पेमेंट पेज पर जाकर प्रोमो कोड में एब्जेट फैक्ट यूज करते हो, तो ये कोर्स 100% ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल फ्री में इस कोर्स को कर सकते हो, इस कोर्स में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकेंड नंबर पे जो कोर्स है वो है कंप्लीट कंप्यूटर साइंस डिग्री कोर्स फॉर फ्री। यस दोस्तों, आप घर बैठ के कंप्लीट डिग्री लेवल कंप्यूटर साइंस कोर्स कर सकते हो। इस कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इस GitHub के डेटा रिपोजिटरी पर आ जाओगे, जिसे ओपन सोर्स सोसाइटी यूनिवर्सिटी के द्वारा कंप्लीट कंप्यूटर साइंस डिग्री कोर्स कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा कंप्यूटर साइंस का करिकुलम दिया गया है, प्रीरिक्विजिट से लेकर हर एक टॉपिक, जो भी डाउट्स हैं वो भी, और लास्ट में प्रोजेक्ट्स भी है। कई टॉप कॉलेजेस जैसे MIT,
MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड सबके फ्री कोर्सेज से मिलाकर ये कोर्स बना है। अगर आप जानना चाहते हो कि इस कंप्यूटर साइंस कोर्स को कौन कौन कर सकता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, तो यहाँ पर प्रीरिक्विजिट दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे जहाँ पर पूरा डिटेल है। सभी टॉपिक पर अलग अलग कोर्स का लिंक इस करिकुलम में हाइपरलिंक है। किसी भी टॉपिक पर क्लिक करके आप उस कोर्स पेज पर चले जाओगे, वहाँ पर आपको वीडियो लेसन मिल जाएगा। तो इस तरह आप वन बाय वन करके कंप्लीट टॉपिक सीख सकते हो जो एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर साइंस कोर्स में सिखाया जाता है। जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस का अपना फाउंडेशन एकदम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए लिटरली ये लाखों रुपए का टॉप नॉच कोर्स कंटेंट है। इस कोर्स का लिंक अपने एब्जर्ट फैक्ट के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों कमेंट में लिखो ये वीडियो कैसा लगा और आप लोगों में से कौन कौन से लोग गूगल में इंटर्नशिप के लिए इंटरेस्टेड हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही एक और नए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।